28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, उस आदेश के बाद फिर बिहार के अंदर नगर निकाय चुनाव के ऊपर तलवार लटक गई है और आशंका है कि फिर चुनाव को टालना पड़ेगा। ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी, इन दो जजों की पीठ थी जिसने 28/11/2022 को जो आदेश दिया है, वो आदेश ये दिया है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं पढ़ देता हूँ, मीन वाइल द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन बी नॉट नोटिफाइड एज ए डेडिकेटेड कमीशन। इन्हें बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दिया था या घोषित किया था, तो कोर्ट ने कहा कि इसको डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित न किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया निर्णय से फिर एक बार बिहार के अंदर नगर निकाय चुनाव के टलने का खतरा पैदा हो गया है। और मित्रों, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्थानीय निकाय के अंदर आरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन का गठन कीजिए जो राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान करेगा। नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे, चुनाव आयोग का भी उन्होंने नहीं माना, एडवोकेट जनरल की राय की भी उपेक्षा कर दी और कहा कि बिहार में कोई कमीशन बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में पटना हाईकोर्ट में उनको झुकना पड़ा और उनको अपना पिटीशन वापस लेना पड़ा और डेडिकेटेड कमीशन बनाने का उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया। लेकिन फिर एक बार नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को धोखा दे दिया। जो अति पिछड़ा आयोग पहले से अधिसूचित था, रातों रात उसका गठन कर दिया और उस अति पिछड़ा आयोग में जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के 5 जिला और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेताओं को रातों रात नोटिफाई करके उसका सदस्य बना दिया गया और उसी अति पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी कमीशन को अधिसूचित करने पर रोक लगा दी है। जो पिटिशनर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पिटिशन फाइल किया कि यह जो आयोग है यह स्वतंत्र नहीं है, यह निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दे सकता है और यह डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, तो यह ना तो इंडिपेंडेंट है, ना डेडिकेटेड है और ना निष्पक्ष है। इसमें कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाना चाहिए था ताकि वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे सके। लेकिन इस आयोग में राजद और जनता दल यू के वरिष्ठ नेताओं को भर दिया गया, रातों रात उसको नोटिफाई कर दिया गया और जो आयोग बना था अति पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए उसी को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया गया। और फिर जिस जल्दबाजी में सर्वे किया गया, पूरे नगर निकाय क्षेत्र का सर्वे करने के बजाय नगर निगम क्षेत्र में 7 वार्ड, नगर परिषद क्षेत्र में 5 वार्ड और नगर पंचायत क्षेत्र में केवल 3 वार्ड का सर्वे किया गया। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम में 75 वार्ड है, तो पूरे पटना के सभी वार्ड का सर्वे करने के बजाय केवल 7 वार्ड का सर्वे किया गया और वह भी केवल मात्र 21 लोगों को लगाया गया सर्वे का काम करने के लिए। और इस कमीशन को सभी ओबीसी का सर्वे करना था कि सभी प्रकार के ओबीसी, चाहे बीसी या ओबीसी हो, उसमें राजनीतिक पिछड़ापन की पहचान करके करना था, परंतु यह आयोग न तो पारदर्शी है और न ही निष्पक्ष है। और जिस जल्दबाजी में यह सर्वे कराया गया, यह कराया जा रहा है कि पटना नगर निगम में अगर 75 वार्ड है तो फिर 7 वार्ड का ही चयन क्यों किया,
और चयन करने का आधार क्या वार्ड, और एक वार्ड में केवल 50 परिवारों का ही सर्वेक्षण किया गया, यानी पटना नगर निगम क्षेत्र में आप अगर 7 वार्ड और एक वार्ड में 50, तो मात्र 350 परिवारों का ही सर्वेक्षण करके और आयोग अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है। तो जल्दबाजी में, अफरा तफरी में किसी तरह से रिपोर्ट दाखिल कर दो, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डेडिकेटेड ये जो कमीशन बना है डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, और इसलिए इसकी कार्रवाई पर उन्होंने रोक लगा दिया है। मित्रों, जो नगर निकाय हैं या पंचायत है, 6 महीने के 5 साल के भीतर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। संविधान की धारा 243U वो ये कहता है कि निकाय की पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि जिस दिन पूरी हो जाएगी वही उसका कार्यकाल माना जाएगा, और आप कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव संपन्न करा दीजिए। लेकिन बिहार में दर्जनों ऐसे नगर निकाय हैं जो पिछले 1.5 साल से भंग हैं, जहां प्रशासक नियुक्त हैं, और जून महीने में लगभग 150 नगर निकायों का में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। तो आज निर्वाचित जन प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि जो नियुक्त प्रशासक है वो नगर निकाय के कार्य का संचालन कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, नीतीश कुमार की जिद के कारण और अब उनको अति पिछड़ों पर भरोसा नहीं रह गया, अब उनको माई पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने अति पिछड़ों पर भरोसा करना बंद कर दिया। इसलिए लगातार नगर निकाय के चुनाव में एक के बाद एक गलतियां नीतीश कुमार की जिद के कारण हो रही है। उसका परिणाम है कि अभी तक नगर निकाय का चुनाव संपन्न नहीं हो पाया है, और कल के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और 4-6 महीना चुनाव टलने का खतरा है। नगर विकास के मंत्री तेजस्वी यादव, 3 महीने से ज़्यादा हो गया सरकार के गठन को, शायद ही कभी एक बार उन्होंने नगर निकाय विभाग की समीक्षा की होगी। उनको तो न तो अति पिछड़ा से कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई संबंध है, और न ही उनको नगर निकाय चुनाव में क्या आरोप से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आप अगर तेजस्वी यादव से जाकर पूछेंगे तो उनको इस आरक्षण के बारे में, नगर निकाय की समस्या के बारे में उनको ABCD की भी जानकारी नहीं है। और मित्रों, इसका परिणाम ये हो रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड मेंबर बनने से बिहार के हजारों लोग वंचित हो गए हैं। अभी भी सभी नगर निकायों में आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, और 1.5-2 महीने में जल्दबाजी में रिपोर्ट लेने, अफरा तफरी में रिपोर्ट लेकर जो आरक्षण लागू करने का सरकार प्रयास कर रही थी उसको एक और झटका लगा है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ये अपील करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में तत्काल कार्रवाई कीजिए, जिद मत कीजिए। आपकी जिद का परिणाम बिहार के अति पिछड़ा भुगत रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया लोगों का खर्च हो चुका, कब चुनाव होगा किसी को पता नहीं है, कब नगर निकाय का गठन होगा ये किसी को पता नहीं है, और कुड़नी के चुनाव में भी इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार कुड़नी में अति पिछड़ा का टिकट काट कर उन्होंने दूसरे वर्ग को टिकट दिया और BJP ने अति पिछड़ा समाज के आदमी को टिकट दिया है, तो फिर कुड़नी में नहीं पूरे बिहार के अंदर कि किस प्रकार नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद अति पिछड़ों से उनका मोह भंग हो गया है, और एक के बाद एक वो जो कदम उठा रहे हैं वो अति पिछड़ों पर के पांव पर वो कुठाराघात कर रहे हैं, उनके पांव पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, ये नगर निकाय का चुनाव का क्या होगा, एक कानूनी दांव पेच में फंस गया, सरकार किसी इसकी और कोई व्याख्या करेगी, कल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ क्या सरकार जवाब देगी। तो यानी कुल मिलाकर कानूनी दांव पेच में नीतीश कुमार ने इस पूरे नगर निकाय चुनाव को और अति पिछड़ों के आरक्षण को और फंसा दिया है,
और इसलिए अब कब होगा चुनाव ये भगवान ही जानता है, कोई नहीं जानता कि अब बिहार में नगर निकाय चुनाव कब तक संपन्न होंगे।